हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस का हम लोग यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन टाइप की जो सीक्वेंस होगी मेरे पास वो कैसे कन्वर्ज करेगी और उसका लिमिट क्या होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन। ओके, तो अर्थमेटिक मीन हमने बचपन में पढ़ ही रखा है, बीज को सो ए प्लस सी बाई टू होता है। यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म में लेंगे, अगर हम सीक्वेंस के टर्म में लेते हैं तो मेरे पास कैसे होती है, ए एन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू ए एन प्लस ए एन प्लस वन होती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये अर्थमेटिक मीन है फ्रेंड, ए एन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू ए एन प्लस वन बाई टू। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मैं अगर लेट करके चल रहा हूं, a1 जो है a2 से लेस है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं रियल लाइन बनाता हूं, अब आप देखेंगे यहां पर ये मेरे पास a1 है, समझने की कोशिश करिएगा, a1 है, ये मेरे पास a2 है। ओके, ये a1 है, ये a2 है, a1 से लेस देन a2 है और ये बहुत पास में है, मैं दूर बना रहा हूं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये a1 है, ये a2 है। ओके, तो यहां पर a3 क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं A3 की बात करूंगा तो A3 कहां पर होगा, A3 की बात करूंगा अगर यहां पर n = 1 अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 1 मेरे पास क्या आएगा, A3 यहां A1 plus A2 by 2। इसका मतलब क्या है, A3 जो होगा वो A1 और A2 के बीच में होगा, A1 plus A2 by 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, A3 मेरे पास यहां होगा कहीं। इसी तरह अगर मैं बात करूं A4 कहां पर होगा, तो A4 जो होगा A2 लाइक A4 जो होगा मेरे पास वो कहां होगा, A3 और A4 जो होगा मेरे पास A2 प्लस A3 के बाई 2 लाइक बीच में होगा, A3 और A2 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ A4 होगा। A5 कहाँ होगा, अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ इसके बीच में होगा। A6 कहाँ होगा, इसको और इसके बीच में होगा। A7 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। इसी तरह आपका A8 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरे पास लाइक अभी मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर जो मेरे 2n है लाइक A2n है, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये A2 है, ये A4 है, फिर A6 है, फिर A8 है। हम लोग जो A2n चल रहा है ना वो कैसा चल रहा है, डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है। जो A2n अगर मैं सीक्वेंस लाइक पिक करता हूं, इसमें से A2n सीक्वेंस पिक करता हूं, A2 A4 A6 A8 वो डिक्रीजिंग मोड में है। और अगर मैं A2n plus 1 पिक करता हूं तो वो इंक्रीजिंग मोड में है। कैसे, देखिए आप, A1 है, फिर A3 आ गया, फिर A5 आ गया, फिर A7 आएगा, फिर मेरे पास A9 आएगा, फिर A11 आएगा, तो ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो A2n plus 1 होगा वो इंक्रीजिंग मोड में है और जो A2n होगा वो डिक्रीजिंग मोड में है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो मेरे पास A2n होगा वो डिक्रीजिंग मोड में होगा और जो A2n plus 1 होगी सीक्वेंस मेरे पास वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो यहां पर मैं दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दे रहा हूं, फ्रेंड। तो मैंने दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पिक की, एक पिक किया A2n और एक पिक किया A2n plus 1। हाँ, अब आप देखिए यहां पर जो मैंने A2n पिक किया है तो भाई जो इसके सारे मेंबर होंगे ना वो A1 से तो बड़े होंगे हमेशा। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि जो इसके सारे मेंबर होंगे A2n के वो सारे A1 से बड़े होंगे क्योंकि A1 लेस देन है मेरे पास। तो A2n में यहां पर ये ऐसा बोल सकता हूं कि A2n के जो मेंबर होंगे वो सारे मेंबर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे A1 से। A2n के सारे मेंबर इक्वल ना लगा के मैं ग्रेटर देन ले रहा हूं, यहां पर A1 is less than A2n। A2n के जितने भी मेंबर होंगे सारे क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर होंगे। और ये इंप्लाई लाइक यहां से क्या होगा, A2n जो होगा मेरे पास, यहां मैं ये कर सकता हूं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। A2n क्या है मेरे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूंगा A2n plus 1 की, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। और जो A2n plus 1 होगी मेरे पास वो जो होगी सीक्वेंस वो लेस देन और इक्वल टू होगी A2, लेस देन और इक्वल टू बोल सकता हूं या लेस देन बोल सकता हूं A2। A2n plus 1 जो होगी मेरे पास वो लेस देन होगी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये A2n सीक्वेंस को मैंने बनाया है, तो A2n plus 1 जो होगी वो लेस देन होगी A2 से, मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर। अच्छा, तो A2n मेरे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि अब सब आप खुद देखिए, यहां पर
A12 मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिससे इंक्रीज लाइक जिससे हमेशा बड़ी रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर वो कन्वर्ज करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा A1 पर करेगी, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब ये है। इसका और यहां पर आप देखिए, यहां पर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि उससे नीचे ही सारे रहने हैं, उससे नीचे ही रहने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे कन्वर्ज करेगी, नहीं अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कन्वर्ज करेगी और ये कन्वर्ज करेगी। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, कन्वर्ज करेगी। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो कन्वर्ज करेगी। ये भी कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी फ्रेंड, तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, ये कंफर्म हुआ। अच्छा, तो A2n प्लस 1 कन्वर्ज करेगी, A2n कन्वर्ज करेगी, दोनों कन्वर्ज करेंगे। तो यहां पर अगर मैं ऐसा करता हूं, सपोज A2n कन्वर्ज टू A एंड A2n प्लस 1 कन्वर्ज टू B। A2n मेरे पास A पे कन्वर्ज कर रही है कहीं, और A2n प्लस 1 मेरे पास B पे कन्वर्ज कर रही है, मैंने ऐसा लिया। तो देखते हैं अब यहां पर A2n मेरे पास A पे कन्वर्ज कर रही है और A2n प्लस 1 मेरे पास B पे कन्वर्ज कर रही है फ्रेंड। तो अब हमें अब हम यहां पर देखते हैं, तो देखिए हम सीक्वेंस कैसे लेके चले थे, ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए एन प्लस ए एन प्लस 1। तो अब देखिए इसी को रेफरेंस लेकर ए एन इसको लाइक हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहां पर कि ए टू एन हमने पहले क्या लिया था, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस सॉरी एंड ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 बाई 2। इसी को रेफरेंस लेकर यहां पर हम ऐसा बना सकते हैं फ्रेंड लाइक ए टू एन इज इक्वल टू 1 बाई 2, इससे एक कम ए टू एन प्लस ए टू एन माइनस 1 प्लस फिर इससे दो कम ए टू एन माइनस 2। देखिए इसी तरह मैंने बना दिया, हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको। यहां पर हमने क्या किया था, ए एन प्लस 1 किया था, ए एन प्लस 1 किया था इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन प्लस 1 बाई 2, और यहां पर मैंने क्या किया है ए टू एन इक्वल टू 1 बाई 2 लाइक यहां पर क्या है इस सॉरी यहां पर क्या है मेरे पास इससे एक कम फिर इससे दो कम। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इससे एक कम इससे दो कम, हम ऐसा रेफरेंस बना सकते हैं। ओके, तो इतनी टफ चीजें नहीं, बहुत ही आसान चीजें हैं, मैं फालतू में इतना ज्यादा वो चीज कर रहा हूं, तो बहुत ही आसान चीजें चल रही हैं। ओके, तो A2n इसको तो 1 by 2 A2n minus 1 plus A2n minus 2। ओके, अब आप समझ सकते हैं ये मेरे पास क्या है, ये इवन सीक्वेंस है, ये मेरे पास इवन सीक्वेंस है, और आप ये भी देख सकते हैं ये भी मेरे पास क्या है इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो ये मेरे पास क्या है इवन सीक्वेंस है, ये इवन सीक्वेंस ए पे जा रही है, तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो सारी इवन होगी, तो जितनी भी इवन सीक्वेंस होगी वो कहां पर जाएंगी, ए पर जाएंगी। ये इवन है, इसी के तो सब सीक्वेंस है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है ये भी ए पर जाएगी, ये भी ए पर जाएगी, और ये मेरे पास क्या है ये तो इवन है, ये तो ए पर जाना ही है, तो इसका मतलब क्या है ये मेरे पास ए पर जाएगी, और ये मेरे पास क्या है ये ऑड है, और ऑड सीक्वेंस कहां पर जा रही है बी पर जा रही है, ये मेरे पास ऑड सीक्वेंस है, तो ऑड सीक्वेंस कहां पर जा रही है वो बी पर जा रही है, तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो भी बी पर ही जाएंगी, ये इसकी सब सीक्वेंस है तो ये बी पर जाएगी। तो यहां पर अगर मैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ले लूं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करूं ए टू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय 2 लाइक ए टू एन माइनस 1 प्लस ए टू एन माइनस 2, तो अब आप यहां पर देखेंगे ये कहां पर जाएगी ए पर जाएगी इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये कहां पर जाएगी मेरे पास बी पर जाएगी प्लस ए। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फ्रेंड आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। यहां से क्या इंप्लाई होता है कि बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब यह है क्या है कि ये दोनों एक ही पॉइंट पर जा रही है, और ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर किसी एक पॉइंट पर चली गई तो इसका मतलब क्या है सीक्वेंस क्या होगी हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है जो अर्थमेटिक मीन होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है वो हमेशा कन्वर्ज करती है, हमेशा कन्वर्ज करती है। तो भाई देखो A2n प्लस 1 भी A पर चली गई, A2n भी A पर चली गई, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, अगर एक पॉइंट पर चली जाती है तो हमेशा सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। अब हमें यह देखना है कि किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, हमको ये चेक करना है फ्रेंड। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, तो अब हमें ये देखना है कि ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, तो अब हम वो इजीली देखेंगे कि किस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। ओके, तो अब मैं यहां पर लेके चलता हूं, देखिए अब हमें ये देखना है an कन्वर्ज करेगी, ये हमें पता चल गया, और किस पे कन्वर्ज करेगी a पर ही कन्वर्ज करेगी क्योंकि a2n भी a पर जा रही थी, a2n + 1 भी a पर जा रही थी, तो an भी a पर जाएगी। ओके, अब मैं यहां पर एक ऐसा बना सकता हूं लाइक an = 1 बाई 2, an मुझे देखना है कि कहां कन्वर्ज करेगी, an माइनस 1
प्लस ए एन माइनस टू, इससे एक कम इससे दो कम, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, उसी का डिफरेंस लेके कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए एन इसको वन बाई टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। ओके, अब आप यहां पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन इसको टू वन बाई टू ए एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस टू। अब देखिए यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ ऐसा कर सकता हूं इसको, ए एन इसको टू ए एन माइनस वन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस वन। भाई समझो इस चीज को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन माइनस वन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस वन। भाई ए एन में से वन बाई टू ए एन माइनस वन आप माइनस करोगे तो मेरे पास प्लस का वन बाई टू ए एन ही माइनस वन ही आएगा, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, प्लस वन बाई टू ए एन माइनस टू, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, तो मेरे पास क्या होगा, ए एन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ए एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस टू। ये मैं ऐसा कर सकता हूं। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन माइनस वन को क्या लिख सकता हूं, इसके जैसे इसी की तरह एकदम, ए एन माइनस वन को मैं क्या लिखूंगा, ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री बाई टू, ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री बाई टू। तो यहां पर ए एन माइनस टू जैसे ही होगा मेरे पास, तो ए एन माइनस टू मेरे पास हाफ हाफ ये वन हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, ए एन माइनस वन की जगह अगर मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, देखिए मैं लिख देता हूं वन बाई टू, वन बाई टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री प्लस वन बाई टू ए एन माइनस टू प्लस वन बाई टू वन बाई टू ए एन माइनस टू। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ये हाफ ए एन माइनस टू है, यहाँ पर भी हाफ ए एन माइनस टू है, मेरे पास क्या हो जाएगा, फुल ए एन माइनस टू। लाइक मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरे पास चल रहा है ए एन माइनस का हाफ ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा ए एन माइनस टू प्लस यहाँ पर भी हाफ ए एन माइनस थ्री। तो भाई अब देखो यहां पर, अब इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे, मतलब ए एन माइनस टू को यहां पर देखूंगा तो यहाँ ए एन माइनस थ्री ए माइनस फोर हो जाएगा, फिर इसी तरह करूंगा तो देखिए यहां पर पहले क्या ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू आ रहा था, तो यहां पर ए एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री आया, तो नेक्स्ट में क्या आएगा मेरे पास, ए एन माइनस थ्री प्लस वन बाई टू ए एन माइनस फोर। समझने की कोशिश करिए, आप पैटर्न देखिए, देखिए पैटर्न देखिए, आप कर सकते हैं, आप बहादुर हैं, ए एन माइनस टू आप यहां पर देखेंगे तो ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस फोर होगा, फिर आप इसी तरह करेंगे ए एन माइनस थ्री हाफ करेंगे तो वो वन हो जाएगा मेरे पास, फिर इसी तरह अगर मैं करूंगा यहां पर क्या होगा, ए एन माइनस फोर प्लस वन बाई टू ए एन माइनस फाइव। पैटर्न है, पैटर्न है, चलेगा ऐसे ही, तो ऐसे ही चलता जाएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए एन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस वन इक्वल्स टू। अब आप देखेंगे यहां पर देखिए आप, अगर मैं एन इक्वल्स टू लाइक सेवन रखने की कोशिश करता हूं, एन इक्वल्स टू सेवन की कोशिश करता हूं, सेवन माइनस फोर करूंगा तो मेरे पास ए थ्री आएगा, सेवन माइनस फाइव करूंगा तो ए टू आएगा, लाइक ए थ्री ए टू। ओके, अब यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर मैं एट करता हूं तो ए फोर आएगा, यहां पर थ्री आएगा, इसका मतलब यहां जो आएगा उससे एक ज्यादा रहेगा, तो लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, यहां पर लास्ट में इसका मतलब क्या है, यहां अगर ए वन है तो यहां पर ए टू आएगा, और ये हाफ है, ये हाफ है मेरे पास। तो आप समझ पा रहे होंगे भाई, पैटर्न से मैंने यहां पर बिल्कुल लाया एकदम, जैसे n फैक्टोरियल हम लोग क्या करते हैं, n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n सो ऑन फोर थ्री टू वन, पैटर्न चलाते हैं ना, बस वही पर है यहां पर, कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, याद करना है नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज को, n माइनस फोर है फिर n माइनस फाइव आएगा, n माइनस सिक्स आएगा, n माइनस सेवन आएगा, n माइनस लाइक सेवन एट, ऐसे ही करके चलता चला जाएगा मेरे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए टू आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास ए वन होगा, क्योंकि ए नॉट के लिए तो मैंने कुछ ले नहीं रखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए वन और ए नॉट नहीं किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ए टू आएगा, यहाँ पर ए वन आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं कर दूं, अगर मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर जब मैं लिमिट लूंगा तो मेरे पास ये a पर जाएगा और ये भी a पर जाएगा, a माइनस, क्योंकि an कन्वर्जेंट है, मैंने an कन्वर्जेंट कैसे दिखाया था, दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर सेम पॉइंट पर जाती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो an कन्वर्जेंट होगी, तो an और ये माइनस का है a बाई टू, ये भी a पे कन्वर्ज करेगी, माइनस सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे माइनस ना होके यहाँ पर, हाँ देखिए ए एन माइनस वन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस वन था, ये इधर जाएगा तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा फ्रेंड, तो ये मेरे पास पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ए प्लस ए बाई टू होगा, यहाँ पर इक्वल टू ए टू प्लस ए वन बाई टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा टू ए टू प्लस ए वन बाई टू, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा थ्री ए बाई टू इसको टू ए टू प्लस ए वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ए इसको क्या आ जाएगा 2a2 plus a1 by 3, तो
तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी, a1 plus 2a2 by 3 पर कन्वर्ज करेगी। तो ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी, a1 plus 2a2 by 3 पर कन्वर्ज करेगी फ्रेंड। तो यहां पर मैंने ये अर्थमेटिक मीन का ये एक बताया कि सीक्वेंस अर्थमेटिक मीन लाइक अर्थमेटिक सीक्वेंस टाइप की जो होती है वो कहां कन्वर्ज करती है, a1 plus 2a2 by 3 पर कन्वर्ज करती है फ्रेंड। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको, एक अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है an, ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस एन सो ऑन वन अपॉन एन माइनस वन माइनस लॉग एन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जो कि काम आएगा आपको क्वेश्चंस करने में काम आएगा। तो ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस एन सो ऑन वन बाई एन माइनस वन माइनस लॉग एन। ये मेरे पास ए एन एक सीक्वेंस है, और एक बी एन सीक्वेंस है मेरे पास, बी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन माइनस लॉग एन। तो यहां पर मेरे पास बी एन एक सीक्वेंस है और ए एन एक सीक्वेंस है। तो यहां पर अब देखिए ए एन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि एन कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, बी एन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो अब यहां पर मैं ये देखूंगा कि ए एन कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी और बी एन कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी फ्रेंड। तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर मुझे इस टाइप की कैसी भी सीक्वेंस मिलेगी तो लगभग मैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पर जाऊंगा। कैसे कि आप या तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन कर दें, मैंने आपको बताया था ऐसी टाइप की मिलती है। तो आपको कैसा सोचना है, ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस लाइक मेरे पास 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई एन माइनस 1 माइनस लॉग एन। तो हमें क्या सोचना होगा, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन कर सकते हैं यहां पर हम, तो वही मैं करने जा रहा हूं फ्रेंड। ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करते हैं, तो पहले मैं यहां पर यह चेक करूंगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो पहले यहां पर मैं ये चेक करता हूं, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन is equals to a n plus 1, सबसे पहले हमको करना है। तो यहां पर क्या होगा, 1 plus 1 by 2 plus and so on, n plus 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, like 1 by n minus 1 plus 1 upon n minus log n plus 1। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे हैं 1 plus 1 by 2 मैंने a n plus 1 किया, और फिर क्या करना है, minus a n करना है, minus a n 1 a n 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on 1 upon n minus 1 minus log n। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे कि मैंने यहां पर an plus 1 minus an किया। हाँ, अब आप देखेंगे 1 plus 1 by 2 plus and so on 1 by n minus 1, और यहां पर ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा क्या, 1 by n minus log, मेरे पास क्या बचेगा, 1 by n minus of log of n plus 1 minus, ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ log of n। ओके, तो यहां पर मेरे पास 1 by n minus log of n plus 1 plus log n आएगा, और यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 1 upon n minus, ये इसको या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा लाइक यहां पर मेरे पास माइनस हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m minus log n क्या होता है, log m upon n होता है फ्रेंड। तो log m upon n, log n plus 1 upon n करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 plus 1 upon n। अब मुझे ये चेक करना है, 1 upon n minus log 1 plus 1 by n, log 1 plus 1 by n अभी greater than equal to 0 होगा या less than equal to 0 होगा। मुझे ये करने के लिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं आपको कि log x का ग्राफ कैसा होता है। log x का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा होता है फ्रेंड, log x की ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं मेरे पास कुछ ऐसा होता है। देखिए जिनको अभी ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, जैसे ही मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बताऊंगा आपको तो वहां पर मैं सारे ग्राफ आपसे डिस्कस करूंगा। सारे आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ रखे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन मैं सारे ग्राफ बहुत बेसिक से बताऊंगा और लगभग वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड। तो ग्राफ से मैं थोड़ा यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, लॉग एक्स की मेरे पास कैसा ग्राफ होता है, इस टाइप का होता है। अगर मैं लॉग वन प्लस एक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लॉग वन प्लस एक्स का ग्राफ अगर मैं log 1 plus x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन पे अनडिफाइंड, लाइक x इक्वल टू माइनस वन पे जीरो आएगा। तो जीरो पर ये कहने को मतलब ये है, ये जो ग्राफ होगा मेरे पास ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, आप देखेंगे यहां पर अगर मैं यहां पर log 1 plus x की अगर मैं यहां पर log 1 plus x की बात करता हूं तो log x का ग्राफ तो मेरे पास ऐसा होगा कुछ। इसका मतलब क्या होता है कि जीरो पर ये डिफाइन नहीं होगा, जीरो पर डिफाइन नहीं होगा फ्रेंड, जीरो पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, एक्स इसको तो माइनस वन पर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। ग्राफ आपको जब मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छे समझ आएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। तो अभी बस ये चीज देखना है आपको कि इसका मतलब क्या है, माइनस वन पर डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब माइनस वन पर और यहां पर एक्स इसको जीरो पर क्या आएगा, लॉग जीरो आएगी वैल्यू, लाइक लॉग वन जीरो। तो मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा यहां का,
मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा फ्रेंड। ओके, और अगर मैं लॉग लाइक एक्स की बात कर लूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं यहां पर x की बात करूंगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं यही भी मैं आपको बताऊंगा अभी। x माइनस लॉग वन प्लस एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा टाइप का होता है मेरे पास। सॉरी, यहां पर मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का होता है। अगर मैं x की बात करता हूं तो मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा टाइप का होता है x का, और log 1 plus x का ग्राफ कैसा होता है मेरे पास ऐसा होता है। तो आप यहां पर देखेंगे जो x होता है फ्रेंड वो हमेशा log 1 plus x के या तो इक्वल होगा या तो हमेशा ग्रेटर देन रहता है। तो यहां पर मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 plus x। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 plus x, लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 plus x। तो x की जगह अगर मैं यहां पर x की जगह अगर मैं यहां पर रिमूव कर दूं, x की जगह 1 by n कर दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 by n is greater than equal to log 1 plus 1 by n। तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया था, ये जो x के बारे में बताया था यहां पर मैंने इसीलिए बताया था, x की जगह अगर मैंने रिप्लेस कर दिया 1 by n, तो 1 by n is greater than equal to log 1 plus 1 by n हो गया मेरे पास। तो इसलिए मैंने यहां पर दिखाया था। तो इसका मतलब क्या, 1 by n minus log 1 plus 1 by n is greater than equal to 0। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं greater than equal to 1 by 0। इसका मतलब क्या है, an plus 1 minus an is greater than equal to 0। तो this implies an plus 1 minus an is greater than 0 is this implies an plus 1 is greater than equal to an। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ये मेरे पास कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो दिस इंप्लाइज an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहां से भी मैंने ये इंप्लाई किया है। अभी मैंने यहां पर अगर, अब देखिए यहां पर अगर मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है an को, अगर मैं इसको बाउंडेड एवोव दिखा दूं, अगर an को मैं बाउंडेड एवोव दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा यहां पर, क्योंकि an फिर कन्वर्जेंट कर जाएगी फ्रेंड। तो an क्या है, an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर मैं बाउंडेड एवोव इसको दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी फ्रेंड। तो अभी मुझे ये पता है कि an कैसी होगी, an मेरे पास जो होगी सीक्वेंस वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। अब यहां पर हम थोड़ा bn के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि bn के बारे में भी, bn से रिलेटेड है ये, जो मेरे पास an है वो bn से रिलेटेड होती है फ्रेंड। तो इसलिए यहां पर मैं bn के बारे में बात कर रहा हूं अभी। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर bn के बारे में देखता हूं तो देखेंगे यहां पर जैसे ही bn कैसी है, bn सीक्वेंस मेरे पास कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो कन्वर्जेंट के बारे में अगर मुझको देखना है तो सबसे पहले यहां से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं कि सबसे पहले मैं यहां पर यह चेक करूंगा कि ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो उसी तरह इसमें भी करते हैं, bn plus 1 minus bn करते हैं यहां पर, bn plus 1 minus bn is equals to, मेरे पास यहां पर क्या आएगा, 1 plus 1 by 2 plus and so on 1 upon n plus 1 minus log of n plus 1 माइनस bn, bn मेरे पास क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन n माइनस log ऑफ n। तो ये मेरे पास bn प्लस 1 माइनस bn आया। अब आप देखेंगे यहां पर ये मेरे पास क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1 है, इसके पहले मेरे पास 1 अपॉन n आ रहा होगा। अब जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ये यहां तक टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n, ये यहां से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या टर्म, 1 बाई n प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एन प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एन, तो मेरे पास ये टर्म आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर मेरे पास इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन माइनस लॉग ऑफ, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस लाइक वन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि इनमें कौन बड़ा होगा, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो वहां पर हमने एक बात सीखी थी फ्रेंड कि मेरे पास क्या था, 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 plus 1 अपॉन n। अब देखें यहां पर हमने एक बात सीखी थी, 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 plus 1 अपॉन n। देखिए मैं यहां पर अगर बताना चाहूं तो सीधा लेस देन इसको बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, देखिए अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, अगर देखिए इक्वालिटी पर अगर मैं देखूं कि 1 अपॉन n इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, 1 अपॉन n इज इक्वल टू log 1 plus 1 by n। अगर मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखिएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू, क्योंकि इज ग्रेटर देन है, इक्वल टू इक्वल भी तो है, तो इक्वल टू log 1 plus 1 अपॉन n की बात कर रहा हूं अगर मैं। तो देखिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये होगा या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा।
मतलब दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं इनइक्वालिटी में क्या होता है, कभी भी दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। वन अपॉन एन इज ग्रेटर देन होगा या तो फिर इक्वल होगा, कभी भी दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर अगर मैंने इक्वल लिया तो ग्रेटर देन का कोई सवाल ही नहीं है। तो वन अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। अगर मैं यहां पर कुछ भी बढ़ा दूंगा, यहां पर मैं कुछ भी बढ़ा दूंगा, इसका मतलब क्या है, यहां जैसे ही मैंने बढ़ाया लाइक यहां पर डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी बढ़ाया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास 1 अपॉन n प्लस a हो जाएगी वो लेस देन हो जाएगी। पहले 1 अपॉन n थी और मैंने डिनोमिनेटर में यहां पर अगर कुछ भी वैल्यू बढ़ाई तो ये मेरे पास लेस देन हो जाएगी अब इससे, क्योंकि अभी इक्वल थी तो यहां पर ये लेस हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर एक पॉइंट पर ये मेरे पास लेस हो गए, एक पॉइंट पर मेरे पास लेस हो गई। तो अब इसको मैं इसी तरह सारे पॉइंट पर भी बोल सकता हूं। तो मैं यहां पर एक पॉइंट के बेस से बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इसको दिखाने का तो या तो ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, तो वो तो बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ग्राफ इतना तो कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बना पाएंगे उस चीज को, लेकिन हाँ जो मतलब नॉर्मली बनेंगे जो काम आएंगे उसको हम लोग बना लेंगे। और काफी हद तक मैं बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही आसान कर दूंगा ग्राफ बनाना एकदम। तो वन अपॉन एन प्लस वन माइनस लॉग वन का हमने एक पॉइंट पर देखा था तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया फ्रेंड। अब आप समझ सकते होंगे कि मैंने कैसे दिखाया इस चीज को। ओके, तो यहां पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस लाइक 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, bn प्लस 1 माइनस bn इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गई इसी केस। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज bn प्लस 1 माइनस bn इज लेस देन इक्वल टू bn। दिस इंप्लाइज bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, bn जो हो गई मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई। अब मेरे पास ये bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और जो an आ रही थी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रही थी, जो bn है मेरे पास वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और जो an आ रही थी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रही थी। अब हम यहां पर bn और an में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, bn और an में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए 1 अपॉन n के पहले यहां पर 1 अपॉन n माइनस 1 आ रहा होगा, ये आप समझ रहे होंगे कि 1 अपॉन n के पहले यहां पर मेरे पास 1 अपॉन n माइनस 1 आ रहा होगा। अब आप देखेंगे कि अगर मैं bn में से an माइनस करूंगा, bn में से an माइनस करूंगा तो मेरे पास ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म मेरे पास हट जाएगा, बचेगा क्या, और यहां से ये पूरा टर्म हट जाएगा, बचेगा 1 बाय n। तो जब आप bn में से an माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, लाइक bn माइनस an जब मैं करूंगा तो मेरे पास 1 बाय n आएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि bn में से जब आप an माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 by n आएगा फ्रेंड, क्योंकि यहां पर जितने भी 1 by n माइनस 1 तक के जो टर्म होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, log n होगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड। तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 by n बचेगा। तो यहां पर bn माइनस an इज इक्वल टू 1 by n आ गया फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि यहां पर मैं bn को क्या लिख सकता हूं, bn को मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूं फ्रेंड, यहां पर bn is equals to an plus 1 by n, bn is equal to an plus 1 by n। यहां पर मैं bn को ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा bn is equals to an plus 1 by n, ओके, 1 by n क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होगी, जो मेरे पास 1 by n, अगर मैं ओनली 1 by n की बात कर रहा हूं तो 1 by n मेरे पास कैसी सीक्वेंस होगी, हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं फ्रेंड, bn is greater than equal to an, bn is greater than equal to an। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो सिंपली यार, अगर मैं x is equal to y plus 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होगी ना वो y से 2 ग्रेटर होगी, लाइक यहां पर जो x की वैल्यू होगी y से हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो y x की वैल्यू हमेशा y से ग्रेटर रहेगी। तो यहां पर इक्वल में इसलिए बोल रहा हूं, इंटेंसिटी पर 0 हो जानी है, इसलिए मैं ऐसा इक्वल बोल रहा हूं, यहां पर तो ग्रेटर रहेगी तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिखा। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, सिंपल बातें हैं सारी चीजें। तो bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास an हो गया। अब आप देखिए जरा ध्यान दीजिए इस चीज को, an मेरे पास कैसी थी, an मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी, an मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी और आप साफ साफ यहां से देख सकते हैं bn से लेस है an, bn के सारे टर्म से लेस है an। इसका मतलब क्या है, इसको बाउंडेड अवर मिल गया, an को बाउंडेड अवर मिल गया। तो an मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी और बाउंडेड अवर भी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, एंड बाउंडेड अवर,
यहाँ पर मैं कुछ भी रटा रटा नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। तो an monotonic increasing and bounded above, और यहाँ पर आप bn देखेंगे, bn मेरे पास कैसी थी, monotonically decreasing थी, bn monotonically decreasing and, अब आप देखेंगे bn मेरे पास monotonically decreasing है और इनकी टर्म से सारे greater than है, इसका मतलब क्या, bounded below हो गई and bounded below। तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव होती है तो हम बोलते क्या है, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और यहां पर भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगी। तो दोनों सीक्वेंस क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी फ्रेंड, तो दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट एंड दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट, तो दोनों कन्वर्जेंट होगी। तो आप लोग, हम लोग देखेंगे यहां पर दोनों अगर ये कन्वर्जेंट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर कहां जाएंगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, और ये मेरे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर जीरो चली जाएगी, 1/n मेरे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर जीरो चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो bn की लिमिट होगी वही an की लिमिट होगी, जो bn की लिमिट होगी, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.576 होती है फ्रेंड। तो इसकी वैल्यू बस हम याद रखेंगे और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बताना है। तो ये इसको इसको मैंने अभी ये दिखाया है, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.576, इसकी जो वैल्यू होती है बस मैंने यहाँ पर ये अभी यहाँ पर मतलब ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसकी बस वैल्यू आपको याद रखनी है, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, अभी मैं इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कहां से आई। तो इसको आयलर कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको हम लोग आयलर कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 0.576 होती है फ्रेंड। तो यहां पर मुझे यही बताना था कि an मेरे पास जो सीक्वेंस होगी 1+1/2+1/3+(n+1)/n-log(n) और bn मेरे पास इसी तरह की सीक्वेंस होगी, दोनों की वैल्यू क्या होती है 0.576 होती है और आयलर कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। तो जितना मैं आपको बताता जाऊंगा आप बस उतना ही पढ़ते जाइए। देखिए लेकिन आपको क्या करना है, खुद से माइंड डेवलप करना है, आपको खुद से माइंड डेवलप करना है तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो जब तक आप अपना माइंड डेवलप नहीं करोगे, यहाँ का मतलब कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस आपको वही पढ़ रहे हो, ठीक है वो पढ़ोगे बहुत है, वो भी पढ़ोगे बहुत है, लेकिन आपको खुद से सारी चीजें सोचनी है, खुद से एनालिसिस करना है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, तो सारी चीजें आपको खुद से सोचना है उस चीज को। तो मन में डाउट आते रहते हैं तो वो चीज आने भी चाहिए, क्वेश्चंस आने भी चाहिए आपके माइंड में। ओके तो यहां पर मुझे ये बताना था फ्रेंड, तो यहां मैंने ये बताया।